नो, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक व्यक्ति ए जो है एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी की जो एफिशिएंसी है 1 की आधी है। ए और बी साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए जो है 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो ए जो है किसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो बी की जो एफिशिएंसी है 1 की आधी है। बी की जो एफिशिएंसी है 1 की आधी है। अगर बी की एफिशिएंसी एक एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो एक एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। तो अगर ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो बी जो है किसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, क्योंकि 30 बी का जो एफिशिएंसी है 1 की आधी है। तो बी जो है उसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। एलसीएम 30 हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, बोला है कि इसका आधा भाग को कितने दिन में करेगा, तो 30 टोटल काम 30 है, आधा किसका कितना हो जाएगा, 15, और दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।